लेकिन मनु भैया चाहते हैं आप सभी को भगवान दर्शन करें, आप सभी को धर्म दर्शन करें, आप सभी को दर्शन करें और आकर्षण क्या है? सबसे पहले एक जप करना है, वो है आसन जप। अपने किसी भी आसन पे सुखद रूप से बैठिए, बशर्ते आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि आपको धाराएं मिल सके। दूसरी बात आपको क्या करना है, इसके बाद कमर सीधी करके आपको वाचिक जप करना है, यानी कि मुख से ओम नमः शिवाय ओम बोलना है। और तीसरा जो जब करना है इसी के साथ राम 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 बोलना है। आपको पता नहीं जब हम ओम की पीछे का कार उकार मकार का जब करते हैं, ओम बोलते हैं, तब उसके बीच में भी राम 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 करके हम 5-6 बार मानसिक बोल सकते हैं। पता चला किसी को? पता चला किसी ने कितनी बार राम बोला ओम पे? मैक्सिमम वो 10-15 बार भी बोल पाएगा अगर वो बोलेगा तो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ऐसा हुआ, आपने ये बहुत कम समय किया है, अभी थोड़ा और समय बढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि रोग तो इसके सामने ठहरने ही वाले नहीं, ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी आपने तीसरा जप क्या किया वाचिक के साथ, पहले आपने आसन लगाया, फिर आपने जप किया, और जप आपने वाचिक किया, फिर मन पे आप राम राम बोल रहे हैं, 3 जप हो गए आपके, वाचिक मानसिक और आसन। अब चक्षु जप, आंखें बंद है, आंखें बंद करके आप या तो राम को देख रहे हैं या शिव को देख रहे हैं या फिर सूर्य जैसे तेज को देख रहे हैं, क्योंकि आपका आत्मा तेज रूप में ही संसार में व्याप्त है और वो सूर्य के तेज से भी ज्यादा तेज है। लेकिन सूर्य के तेज से ज्यादा तेज है तो उसमें लेकिन ये वाली डिग्री नहीं है फॉरन हाइट वाली, वरना तो आप मर जाते, ठीक है ना? तो वो आपका आत्म तेज है जो पूरे संपूर्ण जगत में फैला हुआ है, वही ब्रह्म तेज है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिससे जगत की क्रीड़ाएं देखने में आती है और जिसकी बाह्य अवस्था आपको इस माया में उलझा जाती। तो आप यूं मानिए कि ईश्वर समुद्र है और उसमें जो तरंग बनती है वो जीव है, वो कुछ क्षणों के लिए इस जगत में उपस्थित होता है और फिर मिट जाता है उसका अस्तित्व, लेकिन उस जीव का अस्तित्व कदापि मिटता नहीं, वो पहले तरंग रूप धारण करता है, फिर चला जाता है, फिर तरंग रूप में आता है संसार में। यूं माने कि आपका जो मन है वो समुद्र है और उस पे जो तरंगे आ रही हैं वो विचार है, वो संसार है, वो माया है, और जब वो मिट जाती है तो आपका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है समुद्र की तरह, फिर उसमें चंचलता उत्पन्न नहीं हो जाती और मन की चंचलता सिमट जाती है। जय शनिदेव सबको। अभी 4 जगह आपने जप किया, किस किस ने किया? क्या आपको सुखद लगा? मैं पूछूं, हाँ कि ना? क्या आपको सुखद लगा? आप सब लोग ठीक होना चाहते हैं? आप सब लोग जल्दी से ठीक होना चाहते हैं? आप सब लोग देव दर्शन भी चाहते हैं? आप सब लोग अपने कष्टों के कारण सहित जड़ मूल सहित मिटा देना चाहते हैं? आप सब लोग सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं? कम समय के लिए कोई सुखी होना नहीं, सबको शांति चाहिए, सबको संतोष चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, मन में व्यग्रता है, तो कदापि उस पैसे का कोई लाभ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और आप कष्ट में है, आपका आपको कोई हानि कर रहा है किसी और अन्य तरीके से, आपके कोई मन पे अपना गहरा प्रभाव डाल रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, कोई आपके साथ ठगी कर रहा है, तब भी आप उलझ के रह जाते हैं और आपके मन में संताप उत्पन्न हो जाता है, तब उस संताप को मिटाने का कोई अन्य उपाय न देख के हम ये उपाय जान पाते हैं। बोलिए जय शनिदेव। अभी हमने जिस तरह जप किया ये 4